भाई साहब ऐसे तो मैंने भी नहीं घुमाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक का कॉन्सेप्ट चेंज करवाने के लिए, क्योंकि वॉबलिंग इशू प्रॉपर चला गया। बट क्या है कि मैं हैंडल छोड़ता हूँ तो मेरा लेफ्ट और राइट हैंडल भाग रहा है। इसकी वजह से कंपनी ने बोल रखा था मेरे से पहले ही कि भैया कि आपको कॉन्सेप्ट चेंज करवाना पड़ेगा। तो आज जा रहे हैं कॉन्सेप्ट चेंज करवाने के लिए। इससे पहले क्या है कि मैंने इससे पहले डलवाया था समगार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। समगार्ड मैंने डलवा लिया था पहले, ये रहा अपना समगार्ड। तो क्या है कि मेरा 20 या 25 तारीख को अभी अक्टूबर में ही मेरा छोटा सा रोड ट्रिप प्लान है, मतलब अपने ग्रुप के साथ। तो इसके चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट चेंज करवा लूँ, क्योंकि यार अब जाओ तो यार मन करता है ना कि थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब 70-80 की स्पीड में हाथ छोड़ के मतलब रील वील बनाने का। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट चेंज करवा लूँ। तो चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर। और अपनी बाइक के हो चुके हैं 13,000 कम्प्लीट, और 13,000 कम्प्लीट होने पर अपनी बाइक का कॉन्सेप्ट चेंज करवाने के लिए, जो कि थोड़ा हैंडल इसका प्रॉब्लम कर रहा है। और मेरे को पहले से ही मतलब बता दिया था कि कंपनी में कि भाई आपका कॉन्सेप्ट चेंज होगा। तो क्या है कि अब इसकी वॉबलिंग इशू के लिए ना हमने सब कुछ डलवा दिया, जो कि इसका टायर, पिछला टायर, अगला टायर, इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट सब कुछ करवा दी। आई मैं आपको रोड पे दिखाऊंगा इसका कि वॉबलिंग इशू है तो नहीं, बट मेरे को क्या इशू आ रहा है और किस इशू की वजह से मैं इसका कॉन्सेप्ट मेरे को चेंज करवाना पड़ रहा है। सो गाइस, ये वाला वो रोड है जहाँ पे बाइक को इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि लेफ्ट राइट वाला क्या इशू है। क्या है कि यहाँ पर थोड़ा ठीक है और थोड़ा खाली खाली भी रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या पंगा आ रहा है इसमें। 80-100 की स्पीड तक छोड़ के दिखाऊंगा मैं, मतलब इतना सही है यार, बहुत ज़्यादा भी सही नहीं है ना, कि ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा छोड़ दूँ और फिर मेरे को एकदम हैंडल कुछ ज़्यादा इधर उधर चला जाए। तो अभी ये जर्क जाने दो, ये जो कनेक्टिविटी है चली जाएगी तो उसके बाद फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे करते हैं टेस्ट इसको, और ये काम गया। तो गाइस आप देखना, ये है ना, ये जो लेफ़्ट जा रहा है, ये लेफ़्ट, ये इशू है इसके अंदर। अगर मैं लेफ्ट राइट को छोड़ता हूँ तो राइट में जाम लगता है। ये देखो थोड़ा इस तरफ जा रहा है ना, ये इस तरफ जा रहा है हैंडल, कभी इस तरफ जाता है, तो इसमें ये पंगा है। तो इसके चक्कर में मेरे को कॉन्सेप्ट चेंज करवाना है, क्योंकि एक फ्रेंड की गाड़ी है ना, कुणाल भाई की, उनकी यार जब हैंडल का मतलब अगर छोड़ो तो मतलब प्रॉपर स्टेबल रहता है यार, इधर उधर नहीं जाता बिल्कुल भी। अब पता नहीं भाई इंटरसेप्टर में ये खासियत है कि नहीं है, बट यार जीटी में तो थोड़ा पंगा है, जीटी में तो बहुत जल्दी वॉबलिंग इशू आता है। तो इसके चक्कर में जा रहे हैं ASA यार, बस लास्ट काम है। अगर ये काम और परफेक्ट से हो जाना बढ़िया करके तो यार बल्ले बल्ले है यार फिर तो। इसको क्या है कि ये बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अपनी बाइक में और कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या था कि जो मतलब फ्लैक्चुएट होके बंद हो रही थी ना, वो मेरे में दोबारा इशू आया था, बट पता नहीं क्या है, एकदम ही आन लगता है, एकदम ही चला जाता है, बस इसका पंगा समझ में नहीं आता। चलो कोई नहीं, इसको करवाते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, अगर आगे कभी कोई इशू आएगा तो फिर यार फिर बाद में जाएंगे। तो अभी कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास कॉल आया था ना, तो कॉन्सेप्ट इसका डलवा लेते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा सर्विस सेंटर। सो गाइस आ गए सर्विस सेंटर, बस हल्का सा ही आ गए हैं। पर अभी क्या है कि अभी ना ये बंद हो गई थी यार, बंद की बात कर रहा था और बंद ही हो गई। एक बार वहाँ पे आपको खड़े करके इसको दिखाते हैं कि ये बंद कैसे हो जाती है। एक बार बंद करके इसको चालू करूँ क्या? पहले बंद करा, फिर इसको करते हैं चालू दोबारा। सही चालू हो रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दोबारा चालू करेंगे। पता नहीं यार क्या अपने आप
विजय 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 हाँ बैठ। सो गाइस चलते हैं अंदर और इसको चेक करवाते हैं, इसका कौन सा डलवाते हैं। ये अपने अनस भाई, भाई साहब यार बाल बाल कहाँ चले गए है भाई? भाई कभी कभार चलाना पड़ता है। कैमरे वाले तो बहुत सारे आते हैं आपके पास? हाँ बहुत। एक ऋषि राइडर में करके आता जिसकी ग्रे कलर की बाइक एक आया होगा बंदा, वो भी मेरे ग्रुप का ही बंदा है यार भाई। अच्छा पहले सर्विस करवाई थी उन्होंने अभी। अच्छा यार इसमें ना कौन सेट का पंगा आ गया, हैंडल छोड़ने पर ना लेफ्ट राइट भाग रहा है हैंडल, बस यही पंगा है बस। चेक कर लो एक बार, चला के चेक कर लो भाई। टायर वायर सब डलवा दिया, वॉबलिंग इशू खत्म हो गया, लेफ्ट राइट भाग रहा बस हैंडल। भाई आपकी बाइक है भाई, इतनी सारी घड़ी हुई है। ओ भाई साहब ऐसे तो मैंने भी नहीं घुमाई। सो गाइस भाई गए हैं टेस्ट ड्राइव लेने और फिर उसके बाद दिखाते हैं। और जो इमरान भाई है ना वाले वो रहे, वो इमरान भाई इसको सही करेंगे। तो चलो इसका जॉब कार्ड तो शायद बनवाने की नीड नहीं है इतनी, तो डॉक्यूमेंटेशन जो भी नॉर्मल होता है वो करवाते हैं और अपनी बाइक लगवाते हैं फटाफट। और इसका कॉन्सेप्ट डलवाने के बाद फिर इसको टेस्ट करेंगे कि लेफ्ट राइट का इशू ख़त्म हुआ कि नहीं। मेरी बाइक की फ़ोटो ले रहे हो ना? तो गाइस इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर फाइनली कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है भाई, बता रहे हैं अनस भाई हमारे। तो इसलिए लिए मैंने, रीसेल लगवाऊंगा इसके से लगवाऊंगा। अच्छा तो इसमें कॉन्सेप्ट की दिक्कत है, तो इसका कॉन्सेप्ट डलवाते हैं। तो ये रहा अपना एएस सर्विस सेंटर। इसको डलवाने के बाद इसको चेक यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर बार क्या होता है गाइस, हर बार मैं इस बाइक को ना मतलब जब भी अगर मैं इसको सही करवा के लेके जाता हूँ, मैं खुद मतलब टेस्ट नहीं करता कि मतलब मैं टेस्ट करके यहाँ से लेकर टाइम देना पड़ेगा। कितना तो यार ऐसा मत करो भाई, लगवा दो यार, लगवा दो तो एक कौन सा हटी तो है वो नहीं, डोले वोले देख लेना भाई। यार थोड़ा तो जल्दी करवा दो यार, बताओ 5-5.5 तो बहुत ज़्यादा। दोस्तों अपनी बाइक लग गई अब, और कितने बजे लगी है देख रहे हो? 2 बजे लगी है, बजने वाले मतलब 2-3 मिनट रह गए। तो अब देखते हैं कि कितनी देर में होती है। अभी इसका कॉन्सेट ही कॉन्सेट चेंज होगा, जो कि मेरा कॉन्सेट हो रहा है वारंटी में चेंज। तो वैसे तो इमरान भाई करते हैं इधर है, बट आज भाई कर रहे हैं। चलो दिखाते हैं फिर कैसे होता है और लगने के बाद कैसी हो जाएगी। आगे से पूरी गाड़ी खोल ली, ये रहे इसके शॉकर, ये उसका कॉन्सेप्ट चेंज होगा जो कि शायद यहाँ होता है। चलो भाई डाल दो। यस तो भाई ये इसका कॉन्सेप्ट की बैरिंग, ये
ये इसमें ख़राब हो गई है, फिर डाल लें भाई। बताओ यार कितनी सी है, छोटी सी, देखो लो भाई। तो भाई फाइनल अपनी बाइक का कॉन्सेट लग चुका है, और हो सकता है कि शायद इसके बाद भी टेस्ट ड्राइव पे जाएगी। तो भाई नीचे का उसका पहले पर के बाद क्या है कि एक बार टेस्ट ड्राइव होगी, और उसके बाद मैं भी टेस्ट ड्राइव करूँगा, और उसको देख लिए कि इस बार मैं प्रॉपर चेक करके लेके जाऊँगा कि भाई आप सही में सही हो गई। तो चलो उसके बाद या तो टेस्ट ड्राइव ये लेंगे या तो फिर धुलने जाएगी, तो इसको करवाते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे। शायद इतना टाइम लग गया, एक घंटे में कर दी, 2 बजे लगी थी भाई। तो चलो बुलवाते। सो गाइस अपनी फाइनल बाइक हो गई सही, और GT का डल गया कॉन्सेट। यार कॉन्सेट कितना सा था, बस इतना सा कॉन्सेट था, उसने कितना ज़्यादा परेशान कर रखा था। तो अब क्या कर रहे हैं कि इसकी जो हवा है ना, ये मैंने नया टायर डलवाया था, तो इसकी प्रॉपर हवा निकलवा रहे हैं, और फिर पूरी डलवाएंगे निकलवा के। भाई टायर प्रेशर प्रॉपर दोनों चेक कर लेना यार, और फिर इसके बाद उसको टेस्ट ड्राइव पे लेकर जाते हैं, ठीक है गाइस। तो बस अपनी बाइक हो गई है प्रॉपर कंप्लीट, और अपने को जाना है अब ट्रिप पे। या तो हो सकता है कि ये वाली जो संडे राइड है, एक संडे राइड में मार के फिर उसके बाद मैं जाऊँ यार, वो सही हो गया ना यार कॉन्सेप्ट, मज़ा। सो गाइस फाइनली इसका करवा लिया हमने कॉन्सेट चेंज, और अब जा रहे हैं घर की तरफ। और एक बार आप वॉबलिंग इशू चेक करो पहले। अस्सी पे चल रही है अभी, 60 तो वॉबलिंग इशू फाइनली अपनी बाइक का हो गया ख़त्म। और जो स्टेबल चल रहा था, जो लेफ्ट राइट बग रहा था, अब उसका भी ज़्यादा इशू नहीं है, वो भी सही हो गया। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बाइक में वॉबलिंग इशू आए तो आपको पहले सबसे पहले क्या करवाना है। सबसे पहले अपने, अगर आपका अगला टायर ख़राब है तो पहले आप अपना अगला टायर गिरवाओ, और उसके बाद इसके अलाइनमेंट करवा लो। अगर अलाइनमेंट के बाद भी अगर आपकी वॉबलिंग इशू में थोड़ा पंगा है, क्योंकि 90% 95% ना आपका अगला टायर गिरवाते के साथ ही वॉबलिंग इशू ख़त्म है। क्योंकि जब मैंने पिछला टायर गिरवाया था ना, तो बिल्कुल भी वॉबलिंग इशू ख़त्म नहीं हुआ था, बिल्कुल ज़ीरो वॉबलिंग, मतलब ज़ीरो हुआ था, मतलब ज़ीरो मतलब कि ख़त्म ही नहीं हुआ था, बिल्कुल जैसा मेरा पहले था वैसे ही था। बट जब मैंने अपना अगला टायर गिरवाया, तो अगले टायर से कम 90% मेरे को फ़र्क पड़ा। सो गाइस आप पहले, सबसे पहले इसका अगला टायर चेंज करवाओ अगर आपका टायर ख़राब है, पिछला एकदम करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका पिछला सही है तो। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इसके दोनों ही टायर चेंज करवाओगे एक साथ, और एक ही कंपनी के और एक ही डिज़ाइन के, कभी कभी क्या होता है कि बंदे ना थोड़ा अलग अलग टायर चेंज करवा लेते, कि पीछे MRF करवा लिया और अगला C8 करवा लिया। तो गाइस एक ही कंपनी का टायर गिरवाओ, अगर आप MRF गिरवा रहे तो MRF, C8 गिरवा रहे तो C8। तो अपनी बाइक में तो हो गया वॉबलिंग इशू ख़त्म, और कॉन्सेट यार इतना सा कॉन्सेट था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ओनली इतना सा कॉन्सेट जो हैंडल में लगता है। बताओ उसने यार इतना परेशान कर दिया कि लेफ्ट राइट हैंडल बहुत ज़्यादा मेरा जा रहा था। अब क्या है कि अब हैंडल बिल्कुल है सही। सो अब अपनी बाइक हो चुकी है प्रॉपर ट्रिप पे लेके जाने के लिए, और संडे राइड पे लेके जाने के लिए, और भी इधर उधर लेके जाने के लिए। तो अब जा रहे हैं घर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वॉबलिंग इशू सबसे पहले अगला टायर चेंज और स्पोक टाइट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टिल देन बाय बाय।